अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो हमारा टॉपिक होगा वो है हाउ टू मेक गुड योरो पास सीवी फॉर स्कॉलरशिप। हर बंदे के अपने व्यूज़ होते हैं इसका सीवी के बारे में। मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, मेरी सीवी कैसी थी, मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी और एक अच्छी सीवी आप कैसे बना सकते हैं, योरो पास में आपने जाना है, वो सारे जो क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो सारी मैं चीज़ें अपने बताऊंगा। हर बंदे का अपना व्यूज़ है, कोई कहते हैं 2 पेजेस की, 3 पेजेस की। तो मेरा ये मानना है कि सीवी चाहे आप 4 पेजेस की बनाएं, 5 की बनाएं, आपने जो उसमें लिखा है आपको उसमें महारत होनी चाहिए। उसमें झूठ ना लिखा हो, जब कोई बंदा आपसे पूछे कि आपने ये काम किया है, सीवी में तो आप लिख देंगे लेकिन जब क्वेश्चनिंग होगी तो आप उसको आंसर नहीं कर सकेंगे या जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, तो उस वो सीवी का वो मकसद वो बहुत हो जाएगा। सो मेरा अपना जो व्यूज़ है मैं वो शेयर करूँगा, तो आपने कैसे बनानी है। आप अब एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनानी शुरू की थी, लास्ट वीडियो थी बिगनर्स के लिए कि आपने स्कॉलरशिप को कैसे हैंडल करना है, अप्लाई कौन सी स्कॉलरशिप टारगेट करनी है, कौन सी कम्पिटिटिव लेस थी, कुछ ज़्यादा थी, वो सारी मैंने पिछली वीडियो में कंपाइल कर दी थी। अब लोगों के मैसेज आते हैं अपनी सीवी शेयर कर दें, मैं अपनी सीवी नहीं शेयर करता किसी के साथ। आप कह सकते हैं उसमें इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल होती है, एड्रेस होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग होती है। और हमारा तो एक अलमिया है ना कि हमने जैसे किसी की इंफॉर्मेशन कॉपी की है वैसे पेस्ट कर देनी होती है, हम उसको चेंज करना भी मुनासिब नहीं समझते। तो अब लोगों के मैसेज आते हैं भाई कि हमारी सीवी रिव्यू कर दें। सीवी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन डिटेल और सीवी एंड हो जाती है। इस सीवी पे आपको मेरा नहीं ख्याल कोई स्कॉलरशिप देगा, कोई लकी बनी होगा जो कि इस स्कॉलरशिप को तक पहुंच जाएगा, या उसे कहते हैं बाय लक कह लें कि उसको वो स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छी सीवी बनानी पड़ेगी। सीवी के मार्क्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के हर स्कॉलरशिप का अपना क्राइटेरिया है सीवी की वैल्यूएशन का। तो आपने अच्छी सीवी कैसे बनानी है यूरो पास की, आपने सबसे पहले आपका अगर यूरो पास का अकाउंट नहीं है गूगल पे जाएं, यूरो पास सर्च आउट करें, यूरो पास सर्च आउट करने के बाद साइनअप करें, साइनअप करने के बाद अपना लॉगिन करें। लॉगिन के लिए आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल में ईजू लॉगिन ऐप करें और अपना उसको बाइंडिंग करके जब आप लॉगिन करेंगे देन आप मोबाइल से भी स्कैन करें या कोड को वेरीफाई करेंगे तो आप अपना लॉगिन कर लें। जो आपने यूरो पास पे जाना है तो आपने पहला काम क्या करना है, आपका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन मोर देन इनफ है, लेकिन थोड़ी सी कैची होनी चाहिए, वो बंदा पढ़े तो वाकई लगेगा एक पढ़ने से वाइब्स आए आपकी किसी भी की दो लाइनों से, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। इंट्रोडक्शन शुरू करने के बाद आपने एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। एजुकेशन डिटेल में आपका स्टार्ट कैसे करेंगे, आपकी जो मोस्ट रिसेंट स्टडी है, अगर मास्टर है तो मास्टर से शुरू करें, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट से शुरू करें। किसी ने बैचलर के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो ऑफकोर्स इंटर की स्टडी आपकी लिखेगा, इंटर की डिटेल सारी लिख देगा। सो जब आपने अंडर ग्रेजुएट, मेरी अंडर ग्रेजुएट थी तो मैंने अगर अंडर ग्रेजुएट से लिखना है तो आपने 5 से 8 लाइनों में अपना वो सारा जो है ना अंडर ग्रेजुएट स्टडी का वो सारा लिख देना है, उसमें कवर कर देना है। आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मुझे जी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक काम करना आता है, वैलिडेशंस एंटीबायोटिक एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, आपने कोई हॉट टॉपिक चूज़ कर लेना है उसके गिर्द ही अपना रिसर्च एरिया कह सकते हैं, या जनरलाइज आप बता सकते हैं कि मैंने मेन जो टेक्निक्स हैं वो यूनिवर्सिटी में ये सीखी हैं। आपने वो 5 से 8 लाइन में वो जो सारी माइक्रोबायोलॉजी को कवर करें वो लिख देनी है। अच्छा, वो लिख दी। उसके बाद आपका आएगा 8 सब्जेक्ट लिखने हैं आपने अपने मेजर आपने अपने सब्जेक्ट लिख देने। माइक्रो में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट ऑफर करती है, मॉलिक्यूलर सेल है, वेटरनरी है, ठीक है। आपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपने 8 सब्जेक्ट लिख देने, वो 8 लिखेंगे तो आपका वो पार्ट हो जाएगा कम्प्लीट। आपने अपनी CGPA लिख देनी है, CGPA लिखने के बाद आप नेक्स्ट अपने एजुकेशन लेवल पर आ जाएंगे। ऐसे अपना एजुकेशन लेवल अपना कंप्लीट कर लेने। अच्छा, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने उसमें, कोई
देन आ जाएगा आपका क्या आपकी पब्लिकेशन है कोई। आपकी अगर पब्लिकेशन हैं तो पब्लिकेशन ज़रूर ऐड करें, ठीक है। पब्लिकेशन के बगैर भी आप स्कॉलरशिप इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अगर पब्लिकेशन है तो वो ज़रूर ऐड करें और उसमें लिखें प्रॉपर वे में DUI डिजिटल डेट आइडेंटिफायर, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो वो जैसे उस पर क्लिक भी करें लिंक पे तो वह डायरेक्ट ओपन हो जाए आपका गूगल पे, आपका पेपर ओपन हो जाए। अच्छा, देन आपका आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आपने कोई जॉब की है तो जॉब का लिखें, अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं तो इंटर्नशिप्स करें। वो आपने ईच एंड एवरी डिटेल लिखनी है, लाइक मैंने अगर PCSIR में की है तो PCSIR में मैंने लिखा है कि मैंने उधर क्या काम किया है, ठीक है। वो सारी डिटेल मैंने लिखी है, मैंने फूड की टेस्टिंग की है, मैंने कॉस्मेटिक की टेस्टिंग की है। तो इस तरह आपने अपनी सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है। अगर आपने किसी हॉस्पिटल में की है तो हॉस्पिटल में आपने कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, आपने वो लिख देनी है। लाइक ये मैं जस्ट अपने माइक्रो के रिलेटेड बता रहा हूँ कि कैसे आपने लिखना है। अब किसी और फील्ड का बंदा है तो वो इंटर्नशिप कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने लिखेगा। अच्छा, देन आपकी इंटर्नशिप लिखने के बाद अगर 5 या 6 हैं अपनी सारी लिखनी है, CV 5 पेजेस की बनती है, 6 की बनती है, बनने दें। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने अपनी लिखनी है कम्पिटिटिव स्किल्स, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। लाइक आप कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीम वर्क आपका बहुत है, 4 से 5 आपने ये लिख देनी है। इसमें कम्पिटिटिव स्किल्स सारी कवर कर देनी है अपनी, जो मेन मेन आप कह सकते हैं। देन आपने अपनी लिखनी है जो वॉलंटरली वर्क है। वॉलंटियर वर्क को बाहर वाले जो लोग हैं वो बहुत लाइक करते हैं। लाइक आपने किसी ब्लड डोनेशन सोसाइटी में काम किया है, लाइक आप किसी सोसाइटी को होल्ड करते हैं, लाइक अगर यंग माइक्रोबायोलॉजी एसोसिएशन है या आप कह सकते हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, लाइक अगर फिजियोलॉजी की सोसाइटी है, आपने इस तरह किसी भी सोसाइटी में काम किया है, चाहे वो क्रिमिनल हो, कोई एजुकेशन की हो, किसी ने भी, तो आप वो अपना लिखें। जैसे कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स थी, ठीक है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, या जो भी आप कह लें, तो आप वो ज़रूर अपना ऐड करें। वॉलंटियरिंग वर्क आपने अपना लाजमी ऐड करना है। उसके बाद अपने अगला पॉइंट आ जाना है डिजिटल स्किल्स का। डिजिटल स्किल्स में आपने क्या काम करना है, अपनी सारी डिजिटल स्किल्स मेन लिख देनी है। आपको एक्सेल आता है, वर्ड आता है, आपको लाइक अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो प्रोग्रामिंग आप लिखें, फ्रीलांसर हैं मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट आपको आती है, तो आपने ये सारे फैक्टर उसमें लिख देने हैं डिजिटल स्किल्स में। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है अपने ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ऑनर एंड अवार्ड्स में आपने क्या काम करना है, आपने जो पार्टिसिपेशन की है, लाइक अगर आपने क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है तो आप वो लिखें, कोई पोर्ट कंपटीशन हुआ है वो लिखें, आपने प्रीवियस अपनी कोई आपकी है लाइक आपने कोई स्कॉलरशिप विन की है। मैं अपना बताऊँ तो मैं इंटर लेवल में मेरी पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड मुझे मिला था। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो HEC की मुझे मिली थी। इवन उसका एहसास में भी नाम आ गया था, यू नो कि आपको सिर्फ एक रखनी होती है, तो मैंने अपनी HEC की कंटिन्यू की थी। तो आपने ये वाली ज़रूर लिखनी, अवार्ड्स वगैरह आपने ज़रूर मैंशन करनी है अपने, लाइक इस तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चे को, बच्चा मतलब ब्रिलियंट है पीछे से ही वो स्कॉलरशिप्स को विन करता आ रहा है, तो आपने ये ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपका रहता है कॉन्फ्रेंस सेमिनार वेबिनार, आपने कौन कौन से ये सारे अटेंड किए हैं। लाइक अगर आप कॉन्फ्रेंस की अटेंड करें बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर कोई एनुअली हो रही है तो आपने वो अटेंड की है, कोई सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं, ऑनलाइन आपकी इंटरनेशनल हो रही है तो वो आपने अपनी लिखनी है। लाइक मैंने ओकलामा यूनिवर्सिटी जो बहन की ऑनलाइन वो अटेंड की थी, तो वो आप इस तरह कोई भी आपने जो अटेंड की है आपने वो लिख देनी है उसमें। अच्छा, वेबिनार्स आपने अटेंड किए हैं वो लिखें, कॉन्फ्रेंस अटेंड की है वो लिखें, सेमिनार्स अटेंड किए हैं वो लिखें, और आप लिख लें कि मेरे पास सर्टिफिकेशन भी इस चीज़ की सारी मौजूद है। अच्छा, देन उसके बाद आपका आ जाता है ऑनलाइन कोर्सेज। अब ऑनलाइन कोर्सेज में हमारा जो है मेन, आपने वो देखने हैं कि अच्छे जो कोर्सेज हैं, लाइक कोर्सेरा वेबसाइट है, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं आप वो करें। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी कोर्सेज हैं, कोई WHO के हैं, किसी भी रिलेटेड हैं, तो आप वो मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा रिकमेंडेशन का। आपने रिकमेंडेशन में अपने कोई प्रोफेसर के आपके पास रिकमेंडेशन हैं, चाहे वो वर्क
एक्सपीरियंस की तरफ से हो, जहाँ आपने वर्क किया वहाँ का रिकमेंडर हो, या एजुकेशन लेवल का आपका रिकमेंडर हो, आपने वो ज़रूर इसमें लिखने हैं। एक पार्ट मिस किया वो लैंग्वेज का, वो आपने अगर आइट्स किया है तो आइट्स की आपके वो B2 लेवल, B1, C1 वो सारे आपने लिख देने हैं। अदरवाइज आप डिजिटल स्किल्स के बाद लैंग्वेज स्किल ऐड करेंगे और वहाँ आप लिख देंगे आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, उसके अलावा आपकी मदर लैंग्वेज वो पंजाबी है जो भी है, ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो आपने जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको आपने एडजस्ट कर देना है डिजिटल स्किल्स के बाद, और अवार्ड्स और जो आपके ऑनर्स हैं ऑनर अवार्ड्स उस पार्ट के पहले, तो आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लें, ठीक है। मेरी CV भी इसी अकॉर्डिंग थी और मैंने इसी CV पर ही, चाहे वो फुली फंडेड हो चाहे पार्शली फंडेड हो, मतलब जो अभी जितने भी एक्सेप्टेंस हैं वो सारे मुझे इसी CV पर ही मिले थे। अगर आप कहें कि इसमें लक भी बहुत काम आती है, कई बच्चों की दो दो पेजेस की CV भी होती है, ठीक है, उसमें उनको तब भी एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं, कोई 5 की बना के वो नहीं ले पाते। तो आपने CV में लिखना वही है जो आपको पता है, जो आपने अटेंड किया है। अगर आपने CV में लिखा है ना कि आपको PCR का पता है, आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का पता है, तो वाकई ही पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उससे क्वेश्चनिंग होगी, आप उसमें स्टक होंगे, तो वो टोटली आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। मेरी तरफ से आप 4 बनाएं, 5 पेजेस की बनाएं, वो ऑल राइट है, क्योंकि मेरी अपनी 6 पेजेस की है, उसी भी सारा कुछ वो कह सकते हैं अचीव किया है। यूरो पास की CV बनाएं और उसमें लोगो की ज़रूरत नहीं है, मेरे CV में लोगो वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट पेज नंबर है और ये फॉर्मेटिंग है उसकी, मेरा जो फॉर्मेट था वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आप भी बनाएं अपनी CV और जो नेक्स्ट इनटेक्स आ रही हैं या आपकी प्रोफेसर्स को मेल करनी है तो इस पर ट्राई करें। ऑल्सो आपकी जिस बंदे ने भी CV ओपन की इस पैटर्न पे और आपने कुछ वाकई इसमें अच्छा कोई अचीव किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी एक्सेप्टेंस और स्कॉलरशिप हासिल करने में। जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो रिसर्च प्रपोजल पे होगी, तो इसी जो पूरी सीरीज़ है वीडियोस की, लाइक बिगनर के लिए स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, और इसी वीडियोस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।